दोस्तों, बच्चों का स्कूल हो या ऑफिस का टिफिन लगाना हो, हमेशा ही सुबह की भागम भाग में समझ में नहीं आता क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। तो बस महेश्वरी रसोई में आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। टेस्ट अमेजिंग है, बच्चों को भी पसंद आएगा और साथ ही बड़ों का भी फेवरेट होगा, जिसे आप फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, स्पेशल नाश्ते के साथ बनाएंगे स्पेशल चटनी, जिसके लिए ना तो आपको अमचूर पाउडर की जरूरत होगी, ना इमली की जरूरत होगी और ना ही नींबू, लेकिन चटनी बनेगी बहुत ही परफेक्ट। तो उसके लिए आधा कुची हरा धनिया लिया, 5-6 हरी मिर्च ले ली, 8-10 कलियां लहसुन की, टेस्ट के हिसाब से गया नमक। और फ्रेंड्स, चटनी को खट्टा करने के लिए हम इसमें डालेंगे हींग का अचार, जो नॉर्मली हम जब गर्मियों में आमी आती है ना, जब बना के रखते हैं, इससे आपकी चटनी खट्टी भी हो जाएगी और उसमें हींग का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और इसे एक बहुत ही बढ़िया रिचनेस और बाइंडिंग देने के लिए फ्रेंड्स, मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून जितनी फ्रेश मलाई, 1/2 कप जितना पानी डाला। और अब इसे अल लेते हैं अच्छे से ब्लेंड। बहुत ही मज़ेदार और एकदम क्विक आपकी स्पेशल नाश्ते के साथ खाने के लिए स्पेशल चटनी तैयार है। तो चलिए अब पहले नाश्ते के लिए बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया और उसमें जाएगा 1/2 कप जितना बारीक वाला बेसन। बेसन अगर ज़्यादा मोटा है तो हल्का सा मिक्सी में चला लें। और उसमें गया 2 टेबल स्पून जितनी मैदा, मैदा आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। और ये लिया टेस्ट के हिसाब से नमक, एकदम बेसिक से मसाले जाएंगे। 1 पिंच जितनी हल्दी डाल दी जिससे कलर अच्छा आएगा, और 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें खूब सारी हरी मिर्चें, अगर ज़्यादा मिर्चें तीखी हैं तो थोड़ी सी मात्रा कम कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम पतला सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो बैटर बनाना है ना, वो उस तरीके का बनाना है जैसे पकौड़ों के लिए बनाते हैं या चीले के लिए बनाते हैं, उससे काफ़ी पतला, तभी आपका नाश्ता परफेक्ट बनेगा और साथ ही काफ़ी क्विक बन के तैयार होगा। तो ये लीजिए, खूब सारा पानी डाल दिया और अब आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है ना, काफ़ी रनी है। लेकिन फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं बेसन का नाश्ता और बेसन को फूलने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो बस अब आप क्या करें, इसे कवर करें और 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से कर दें। बस आप ये 10-15 मिनट का काम कभी भी चलते फिरते कर लेते हैं ना, तो आपका नाश्ता वास्तव में 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, एकदम पतला सा बैटर तैयार है। तो इसमें गया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे स्पेशल चीज़, और वो है फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून जितना आपको डाल देना है बेकिंग पाउडर, और आपको बेकिंग पाउडर ही डालना है, ना तो इनो डालना है और ना खाने वाला सोडा डालना है। बस उसके बाद हल्का सा मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आने लगे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सैंडविच, तो ब्रेड तो आपको लगेगी ही, तो उसके लिए आप मल्टीग्रेन ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, मैंने ली है नॉर्मल वाइट ब्रेड, यानी कि जैसी भी ब्रेड आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ब्रेड फ्रेश होना चाहिए। और उसके बाद गैस ऑन करिए, तवा रखा, और तवे को हम बटर के साथ अच्छे से ग्रीस कर देंगे। वैसे तो आप थोड़े बटर के साथ भी बना सकते हैं, पर बटर जितना ज़्यादा डालेंगे नाश्ता उतना ही मज़ेदार बनेगा। और जो ब्रेड ली थी अच्छे से बेसन में कोट करी, पतला सा बैटर है, आराम से कोट हो जाएगा, पर आपको भिगो कर नहीं छोड़ना है। दो ब्रेड को बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ के लगा दिया, और जो जॉइंट है ना उस पर भी थोड़ा सा हम बेसन डाल देंगे। और आप साइडों से जो देख रहे हैं ना, थोड़े से अजीस इधर उधर हो रहे हैं, उन्हें आप कप स्पैचुला ले लें और इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लें। और करीब 1 से 1.5 मिनट में आप देखेंगे कि जो ब्रेड है वो एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगी, तो टर्न कर दीजिए। और इस समय भी ये नाश्ता देखने में बढ़िया लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो बस मैं तो इसमें थोड़ा सा बटर और लगा दूंगी, ऊपर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो नाश्ता था वो बहुत ही मज़ेदार सेक कर तैयार है। 1 मिनट तक उधर से सेका, और ये देखिए दोनों तरफ बढ़िया सेक चुका है। और थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ेंगे उसके लिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी, उसके बाद इसमें डाला बारीक कटा हुआ प्याज। और उसके बाद आपको ज़रूरत होगी चीज़ की, आपके पास जो भी चीज़ हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूब हो, स्लाइस हो, मोज़रेला हो, यानी जो भी चीज़ आपके पास हो आप उससे बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और चीज़ वैसे भी बच्चों का फेवरेट होता है। और उसके बाद इसमें मैंने स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा चाट मसाला,
जिससे भाई जो सब्जियों का है ना वो एक अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। और उसके बाद बस आप इसे टर्न कर दीजिए। इस समय हमारे जो सैंडविच है काफ़ी गर्म है और चीज़ फटाफट मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए एकदम मज़ेदार और एकदम क्विक हमारा एक सैंडविच तैयार हो गया है। तो चलिए एक और बना लेते हैं। फिर से बटर अप्लाई किया और जो ब्रेड रखी थी उसे फिर से बेसन में कोट किया, तवे पर सेट कर दिया। और बीच का जो जॉइंट है ना उसे आप ज़रूर अच्छे से इस तरीके से सील कर लें जिससे ये दोनों जो ब्रेड हैं अच्छे से आपस में स्टिक हो जाए। और साइडों को ज़रूर क्लीन कर लिया। और ये लीजिए दूसरी ब्रेड भी हमारी सिक कर तैयार हो गई है, इसे भी टर्न कर देंगे। ये फ्रेंड जो नाश्ता है देखने में जितना शानदार लगता है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे चाहें तो टिफ़िन में रख सकते हैं, ऑफिस के टिफ़िन में रख सकते हैं। थोड़ी सी वेजेस डाल दें, जो भी वेजेस आप कच्ची खा सकते हो आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पनीर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला। और ये लीजिए हमारा एक और सैंडविच तैयार हो गया है। तो बस उलट पलट के फिर से एक बार टर्न किया और ये देखिए एकदम मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारा एकदम नए तरीके का सैंडविच तैयार है, जिसे सर्व कर लिया हरे धनिया की चटनी और टमाटो केचप के साथ में। तो चलिए अब कट करके दिखाते हैं कि अंदर से देखने में कैसा है। और काटने से फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। और स्टफिंग आप देखिए, चीज़ जो था बहुत ही अच्छे से फूल हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। बाहर से थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी है, अंदर एकदम सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं कर रही हूँ इसे टेस्ट। और आपको टेस्ट करने के लिए इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।